नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान के बाड़मेर पशु मेले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान में किया फसल बीमा पॉलिसी वितरण। कहा, प्रगति के लिए किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है सरकार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अब स्थानीय से वैश्विक हो गया है। भारत ने 417 अरब अमरीकी डॉलर का निर्यात कर निर्यात लक्ष्य को किया पार। 2022-23 में गेहूं का निर्यात 10 मिलियन टन से अधिक होने की संभावना। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में सोमवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हो गई शुरू। गेहूं की समर्थन मूल्य खरीदी आगामी 16 मई तक चलेगी। खरीदी केंद्रों पर किसान सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक बेच सकते हैं उपज। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के बाड़मेर के तिलवाड़ा पशु मेले के दौरान किसान समागम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBI की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया। कार्यक्रम में हजारों किसानों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पशुपालन मत्स्य पालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉ संजीव कुमार बालियान, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि किसानों की तेजी से प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। पीएम की दूरदृष्टि के कारण बीमित किसानों को क्लेम के लिए फसलों के नुकसान का सर्वे भी ड्रोन द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना से किसानों को जितना लाभ हुआ है उतना आजादी के बाद अब तक नहीं हुआ था। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें फसल बीमा में परिवर्तन किया और आज उसके परिणाम स्वरूप देश भर के किसानों जिनका बीमा किया जाता है और उनमें से जिनका नुकसान होता है ऐसे किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जा सका है। मैं समझता हूं कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बीमा योजना के माध्यम से इतनी बड़ी राशि किसानों को कभी भी प्राप्त नहीं हुई है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किसानों से किया था वो पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यहां पर वादा किया था जनता से, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर अनार कोई एक स्थान पर पैदा होता है तो वो बाड़मेर के अंदर पैदा होता है और पूरे देश ही नहीं विदेशों के अंदर यहां से अनार जाता है। अनार की खेती हमारे पिछले 3-4 सालों के अंदर 5 सालों के अंदर इतनी हुई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे यहां पर खजूर की खेती होने लगी है। खजूर की खेती का मुझे इतना बताते हुए खुशी है, यहां का खजूर हिंदुस्तान में नहीं विदेश के अंदर भी जाता है और किसान के खेत में पड़े खजूर की रेट अगर है तो 1 किलो के 2,000 रुपए किसान को दिए जाते हैं, वो भी व्यापारी खुद खेत में आकर लेके जाता है। ऐसी हमारी यहां पर किसान खेती करने लग गए। ये बैठे हमारे साधुलाराम जी, अभी इनको सम्मानित किया जाएगा, इनके खेत के अंदर 13 प्रकार की खजूर की वेराइटी है यहां पर, तो इस तरह से यहां पर खजूर की खेती होने लगी है, हमारे यहां पर अंजीर की खेती होने लगी है। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव वालिया ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। क्या किसान बिना पशुपालन के नहीं रह सकता? शायद एक फसल होती है ज्यादातर क्षेत्र में जो मुझे बताया गया है, और पुराने समय में मुख्य व्यवसाय पशुपालन। देखिए, पशु के बिना किसान पूरा हो ही नहीं सकता। जब तक पशु नहीं होंगे किसान को किसान मान नहीं सकते हम। और 2014 में वाकई मैं कृषि राज्य मंत्री था, इस विभाग का बजट 21,000 करोड़ रुपए था, मेरे याद है 2014 में जब मैं मंत्री बना।
और 21,000 करोड़ में 1500 करोड़ रुपए पशुपालन के भी थे। अब तो कृषि कृषि का है, अलग विभाग मंत्रालय बन गया। 1500 करोड़ रुपए पशुपालन के भी 21,000 करोड़ में शामिल थे। मैं ये नहीं कहता, आजादी के बाद अगर इस देश में किसी का सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं पिछड़ रहा विकास में तो किसान है, सबसे मौका मिला। और आज भी ये नहीं कहते कि किसान की सब समस्याएं दूर होगी, आज भी किसान की बहुत समस्या है। लेकिन पिछले 8 साल में वाकई कुछ बहुत बेहतर काम इस सरकार ने किसान के हित में करने का प्रयास किया। जिस मंत्रालय का बजट 1500 करोड़ था, जिसमें मैं आज मंत्री हूं 2014 में, आज 13,500 करोड़ रुपए तो एक बीमारी होती है एफएमडी, मुंहपका खुरपका कहते हैं, उसकी वैक्सीन लगाने के लिए 13,500 करोड़ का बजट आज मोदी जी ने दे रखा है एक बीमारी के लिए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान मजबूत हुए हैं। उन्होंने राजस्थान में इस योजना की प्रगति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो वर्ष 2016 से राजस्थान में लागू है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे एनरोलमेंट के हर पैरामीटर में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वर्षों में 85 लाख फार्मर एप्लीकेशंस हमें आती थी, जो कि इस वर्ष बढ़ के 1 करोड़ से ऊपर निकल गई है। और साथ ही जो एरिया इंश्योर्ड और फार्मर्स इंश्योर्ड जो हैं, सम इंश्योर्ड जो है, वो भी बढ़ रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के जवाब में भारत अब वास्तव में स्थानीय से वैश्विक हो गया है। कृषि क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है और विशेष रूप से महामारी के दौरान भारत खाद्य आवश्यक कृषि उत्पादों के एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। कृषि निर्यात में उछाल चावल, बासमती और गैर बासमती दोनों समुद्री उत्पादों, गेहूं, मसालों और चीनी जैसी अन्य वस्तुओं की वजह से है, जिसमें 2021 और 22 में अब तक के सबसे अधिक कृषि उत्पादों के निर्यात का रिकॉर्ड बना है। देश से उच्च कृषि निर्यात 1.35 अरब लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय किसानों की क्षमता को दर्शाता है और दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करने के लिए भी अधिशेष अनाज का उत्पादन करता है। वैश्विक बाजार से जुड़ने से हमारे किसान आर्थिक प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता के प्रति जागरूक होंगे। इसके साथ ही वे अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य भी प्राप्त कर सकेंगे। जब हमने कृषि उत्पादों के 50 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा था, तब बहुत कम लोगों ने सोचा था कि ये संभव होगा। निर्यात में वृद्धि ने किसानों एवं श्रम प्रधान क्षेत्रों और MSME की मदद की है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि भारत यूक्रेन युद्ध से प्रभावित देशों को गेहूं की आपूर्ति बढ़ाएगा। चालू वित्त वर्ष में भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात 417 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें गैर EDI बंदरगाहों के आंकड़े शामिल नहीं हैं और इन्हें जोड़ने पर इस आंकड़े के भारत के निर्यात इतिहास में एक सर्वकालिक उच्च 418 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है। भारत ने मार्च 2022 में 40 अरब अमरीकी डॉलर की सबसे अधिक मासिक माल निर्यात मूल्य हासिल किया है। भारत में कई सारे महत्वपूर्ण और जरूरी माइलस्टोन्स अचीव किए जा रहे हैं। अभी अभी DGFT ने बताया कि 418 बिलियन डॉलर यानी 31-32 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने पहली बार अपने इतिहास में किया है, और जो टारगेट सेट किया था उससे भी लगभग 5% ज्यादा। मार्च महीने अकेले में 40 बिलियन डॉलर एक्सीड किया, जो आज तक का इतिहास है। कभी 40 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किसी एक महीने में आज तक हमने नहीं किया। इस साल एक और बड़ी अच्छा संजोग रहा कि हर महीने 12 महीने तक 30 बिलियन डॉलर से अधिक हर महीने निर्यात हुआ है।
मध्य प्रदेश के 37 जिलों में सोमवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। इसके लिए खरीदी केंद्रों पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए खरीदी केंद्रों पर पानी और छांव की व्यवस्था की गई। हालांकि पहले दिन खरीदी केंद्रों पर कम ही किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। दरअसल मंडियों में गेहूं का मूल्य 2,200 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है, जबकि सरकार ने समर्थन मूल्य 2,015 रुपए तक किया है। इसलिए ज्यादातर किसान मंडियों का रुख कर रहे हैं। सोमवार से शुरू हुई गेहूं की समर्थन मूल्य खरीदी आगामी 16 मई तक चलेगी। खरीदी केंद्रों पर किसान सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी समय पहुंचकर अपनी उपज बेच सकते हैं। इसके लिए किसानों को पहले ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा और बुकिंग के बाद 3 दिन में गेहूं लेकर खरीदी केंद्र पहुंचना होगा। किसान अपनी सुविधा के अनुसार स्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी 28 मार्च से शुरू हो चुकी है। शेष 37 जिलों में सोमवार को समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी शुरू हुई। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रों पर किसानों के लिए उचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। और अप्रैल का माह शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के उत्तरी भाग में भयंकर गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ भागों में अगले 10 दिन तक लू का प्रकोप देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। बंगाल की खाड़ी से तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का कारण बनेगी। साल 2024 तक देश के हर घर में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया जल जीवन मिशन न सिर्फ बड़े शहरों और कस्बों बल्कि सुदूर पूर्वोत्तर के गांवों में भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में भूटान सीमा पर बसे आखिरी भारतीय गांव लुब्रांग और ब्रोक सारथांग भी पूर्वोत्तर भारत के ऐसे गांवों में शुमार हैं, जहां लोगों को जल जीवन मिशन से काफी लाभ मिला है। लुब्रांग गांव से पेश है हमारे संवाददाता प्रियभांशु रंजन की ये रिपोर्ट। पहाड़ों पर बसे गांवों के बारे में एक आम धारणा है कि ऐसी जगहों पर नदियों और झरनों की पर्याप्त मौजूदगी के कारण पानी की दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये धारणा हमेशा सही नहीं होती। अरुणाचल प्रदेश में 10,000 फुट से भी अधिक की ऊंचाई पर बसे लुब्रांग गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचने से पहले तक स्थानीय लोगों को दुर्गम पहाड़ों पर करीब 1.5 किलोमीटर का फासला तय कर याक और घोड़ों के सहारे पानी लाना होता था और ये कहीं से भी आसान नहीं था। ये बस्ती में अभी पहले हम लोग छोटा का टाइम में तो पानी जो बहुत तकलीफ मिल रहा था, कोई याक का बुक रहा था, कोई आदमी ने बुक रहा, आदमी याक कोई घोड़ा में बुक रहा था और घोड़ा याक होने तो बहुत आराम था, उस टाइम में आदमी भी बहुत कम हो रहा था, आदमी से बुक नहीं थी, एक दिन में 2 लोग फिर बहुत मुश्किल से बुक रहा था, बहुत तकलीफ मिल रहा था। तो आजकल तो अभी सरकार से इतना अच्छा हो गया, पानी भी अभी अपना एक गोर को एक पूरा दे के फायदा बहुत हो गया, आराम मिल गया। हम लोग ये नल ये जो पानी अभी आखिर मैक्सिमम 2 साल समथिंग सिर्फ हुआ, तो इससे पहले तो हम लोग पानी भी या समथिंग 1 किलोमीटर दूर समथिंग से लेना पड़ता था, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता था क्योंकि हम लोग उसमें थोड़ा हम लोग भी थोड़ा ग्रोथ नहीं होता था, तो हमारा पेरेंट्स लोगों हमें भी संभालना पड़ता था, प्लस पानी का ये इंतज़ाम ये लोग सब में बहुत प्रॉब्लम होते था। तो सर ऐसे में करके लास्टली गवर्नमेंट ने हमें यहाँ में थोड़ा पानी ऐसे बना कि मिस अभी क्या बोल गया सर, इसका वजह से जिससे हम लोगों को थोड़ा प्रॉफिट हुआ, जिससे हम लोगों को मिस पानी लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होते। आजकल तो ऊपर से हमें अभी नॉन स्टॉप पानी होते, मिस पानी का कमी तो होते ही नहीं। लुब्रांग में जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन से पेयजल की समस्या का समाधान तो हुआ ही है, स्थानीय लोगों को खेती सहित अन्य जरूरी कामों के लिए भी पानी के इस्तेमाल को लेकर अब ज्यादा चिंता नहीं करनी होती। याक और घोड़ों के पानी पीने के लिए भी गांव में एक छोटा सा तालाब बना दिया गया है। हर घर जल पहुंचने से आसान हुई जिंदगी के लिए लुब्रांग गाँव के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करना नहीं भूलते। और पहले तो पानी का बहुत प्रोग्राम था, बहुत दूर में जाना पड़ता था,
पुटकी लेना पड़ता था, आजकल तो बहुत आराम हो गया हम लोग को पानी के लिए, कपड़ा धुलने से भी घर का आगे में बहुत आसान है आजकल, पहले तो बहुत तकलीफ था हम लोग इतना दूर से बुक रहा था, और बहुत अच्छा हुआ है हम लोग को। वही तो बहुत सोचना पड़ता था, कभी कभी तो पानी नहीं मिल के बहुत तकलीफ होता था, खाना बनाने के लिए भी और रुकना पड़ता था, बहुत तकलीफ होता था, आजकल तो बहुत आसान हो गया, अभी बहुत आराम है, बहुत अच्छा हुआ है हम लोग सब के लिए। मिनिस्टर मोदी जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। जल जीवन मिशन के तहत लुब्रान के हर घर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना आसान नहीं था, इसके लिए सरकारी विभागों और श्रमिकों ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि ये मुश्किल काम कर दिखाने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लुब्रान अप्रोक्सीमेटली 2900 मीटर पे है, तो लगभग 10,000 10,500 फीट पे है, तो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ पे 27 फैमिलीज है एज ऑन 2014, लेकिन अभी तो वो बढ़ गया है, तो काफ़ी अभी कम से कम 50-60 फैमिलीज है, तो काफ़ी लुब्रान को जो पानी देते समय डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि ये तो रहता इस पर काफ़ी हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से वहाँ में काम करना बहुत तकलीफ है, क्योंकि बहुत ठंड है और ठंड में हमारा जो कंक्रीट वर्क है वो काफ़ी स्लो हो जाता है इसको सेटिंग में, तो और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कि वहाँ पे स्किल मेसन जो मेसन्स वो नहीं मिल पा रहे थे, वो क्योंकि इतना ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, फिर भी संभव हमने उसे कंप्लीट किया है। अभी लुब्रान एक JJM कंप्लाइंट विलेज है, इसमें हर घर में जल है, नल है और जल से पानी मिल रहा है। कहते हैं कि जल ही जीवन है। अरुणाचल प्रदेश में भूटान सीमा के पास भारत के आखिरी गांव लुब्रान के लोग इस कहावत के सही मायने समझते हैं। जल जीवन मिशन के तहत लुब्रान गांव में जब पानी नहीं पहुंचा था तो यहां के लोगों को कई किलोमीटर का फासला तय कर पहाड़ों को पार कर पानी लाना होता था। वो कभी घोड़ों का इस्तेमाल करके, कभी याक का इस्तेमाल करके पानी लाते थे, लेकिन जल जीवन मिशन ने वाकई लुब्रान गांव में रहने वाली ब्रोकपा जनजाति के लोगों की जिंदगी को काफी आसान बनाया है। वेस्ट कामेंग जिले के लुब्रान गांव में अपने सहयोगी संदीप ठाकुर के साथ मैं प्रियभांशु रंजन, DD न्यूज। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। किसी के हाथ का स्वाद कभी कभी इतना भा जाता है कि वो कई परिवारों की जिंदगी बदल देता है। जनवरी 2004 में शुभ्रा देवी ने एक छोटे से पैकेज्ड फूड उद्यम की शुरुआत की। शुरुआत महज कुछ 100 रुपए और आज उनका उद्यम कुछ करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार कर रहा है। अपने हुनर को आर्थिक अवसर में बदलकर कई महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की नई राह खोलती है। चार में हंजाबम शुभ्रा देवी ने इम्फाल में अपने घर की रसोई में नीरा फूड, एक छोटे से पैकेज फूड उद्यम की शुरुआत की। आज वो लगभग 100 जरूरतमंद महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से और कई परिवारों को परोक्ष रूप से रोजगार दे रही हैं। शुभ्रा 45 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार की कैंडी, आचार और नमकीन, सूखे मेवे बनाती हैं। ये सभी चीजें स्थानीय किसानों, विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे गए जैविक फलों और सब्जियों से बनाए जाते हैं। शुभ्रा के बढ़ते व्यवसाय ने एक पूरी नई आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण किया है। पारंपरिक खाना पकाने में निपुण शुभ्रा ने अपने हुनर को आर्थिक अवसर में बदलकर कई महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की नई राह खोल दी है। हमेशा बोलते थे कि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं चाहती थी कि कुछ इंडस्ट्री शुरू करूँ। मैं जो नॉलेज मेरे पास था, जो रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल थे, उस पर बेस करके मैंने शुरू किया 2004 में। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपने किचन से ही कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे के वहीं से शुरू किया। दो तीन लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हुए और सिर्फ 100-200 रुपये के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। उस समय कोई सरकार का कोई मेरे ऊपर मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था और कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं थे, लेकिन मेरा एक शुरू करने का था, मुझे कुछ करना था, तो मैंने ऐसे ही अपने किचन से शुरू किया। सभी कुछ हम लोग मार्केट कर रहे हैं और सभी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छे से मिल रहा है। हम लोगों को हफ्ते में कम से कम 10,000 या 20,000 का सामान जा रहा है।
और अब आपको हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो गर्मी के दौरान पशु पक्षियों को पानी की दिक्कत ना हो इसके लिए वो आम जन के बीच मिट्टी के बर्तन बांटने का अभियान चला रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक उन्होंने हजारों बर्तन बांट चुके हैं और अपने अभियान के तहत 1,00,000वां बर्तन गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम में दान करेंगे। आइए देखते हैं प्रेरित कर देने वाली ये खास रिपोर्ट। ये है केरल के एर्नाकुलम जिले गांव के निवासी 70 वर्षीय नारायण, जिन्होंने न सिर्फ केरला बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाने का काम किया है, जिससे वो आज कई लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इसका कारण है कि इन्होंने एक ऐसी राह चुनी जो सभी के लिए एक मिसाल बन गई। गर्मी के बढ़ने के साथ साथ अधिकांश जल स्रोत सूखने लगते हैं और पशु पक्षियों के लिए अपनी प्यास बुझाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नारायण एक मसीहा के रूप में सामने आए और गर्मी का मौसम आते ही वे लोगों को मुफ्त में मिट्टी के बर्तन बांटना शुरू कर देते हैं, ताकि पक्षियों और मवेशियों को गर्मियों में साफ पानी मिल सके। उनका कहना है कि अगर हर एक व्यक्ति इन गमलों में रोज पानी भरकर रखेगा तो इन गर्मियों में किसी भी पशु पक्षी को प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। 9 साल पहले मैंने पक्षियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के बारे में सोचा। जब मैंने देखा कि पक्षियों को पीने के पानी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ तक कि बिना पानी के उनकी मौत हो रही थी, इससे मुझे काफी दुख हुआ और मैं इसके समाधान में जुट गया और फिर मैंने पक्षियों को पीने के पानी के लिए प्रयास शुरू कर दिया और पॉट्स फॉर वाटर ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इससे मैंने अपने साथियों को पक्षियों के पीने के पानी के लिए मिट्टी के बर्तन बांटना शुरू किए और इसका परिणाम है कि आज लाखों पक्षियों को गर्मियों में पीने का पानी मिलता है, जो गर्मियों में इससे जीवन निर्वाह करते हैं। प्रधानमंत्री भी नारायण के कार्य की सराहना अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। ये नारायण जी द्वारा बांटे गए बर्तनों का आंकड़ा 1,00,000 को पार करने जा रहा है। अपने अभियान में 1,00,000वां बर्तन वो गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम में दान करेंगे। आज जब गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है तो नारायण जी का यह काम हम सबको जरूर प्रेरित करेगा और हम भी इस गर्मी में हमारे पशु पक्षी मित्रों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। गौरतलब है कि नारायण ने गर्मी से पशु पक्षियों को बचाने के लिए अब तक लाखों रुपए खर्च कर हजारों मिट्टी के गमले लोगों में बांटने की ठानी है और अब तक सैकड़ों गमले लोगों में बांट भी चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि नारायण की इस मुहिम से आम लोगों के मन में जहां पशु पक्षियों के लिए प्रेम की भावना बढ़ाएगी, तो वहीं साथ ही ऐसे कदमों के जरिए पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। तिरुवनंतपुरम ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपने खेतों का कैसे रखें ख्याल। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले, गेहूं की कटाई कर सकते हैं, साथ ही काबुली चने की कटाई करें, यहां सरसों की कटाई कर सकते हैं, सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, अभी मूंग की बुआई करते रहें, वहीं गन्ने की बुआई कर ले। मध्य प्रदेश में बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें, यही टमाटर की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर ले, टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। किसान मेथी की कटाई करें, इस समय फूल गोभी की कटाई करते रहें, इसके साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर ले, पत्ता गोभी और फूल गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, वहां लाल मिर्च की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, गेहूं की कटाई कर ले, किसान काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहे, यहां सरसों की कटाई करने का समय उपयुक्त है, सरसों के खेत में सिंचाई कर ले, इस समय उड़द की बुआई कर सकते हैं, इसी तरह मूंग की बुआई भी कर ले। छत्तीसगढ़ में तिल की बुआई करें, अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करे, गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले। छत्तीसगढ़ में मूंगफली की कटाई कर सकते हैं, मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहे। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं अपने सेगमेंट खास खबर पर।
सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में परिसीमन आयोग का दल जम्मू के दौरे पर। आयोग ने सोमवार को जम्मू संभाग में मसौदा रिपोर्ट पर आपत्तियां व सुझाव देने वाले लोगों के साथ की बैठक। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को 6 मई 2022 तक किया जाना है पूरा। इस प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या को 83 से किया जाना है 90। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC का HDFC बैंक में होने जा रहा है विलय। सोमवार को की गई इसकी आधिकारिक घोषणा। विलय के माध्यम से HDFC बैंक में 41% हिस्सेदारी का करेगा अधिग्रहण। HDFC बैंक की विलय प्रक्रिया वित्त वर्ष 2024 की दूसरी या फिर तीसरी तिमाही तक पूरी होने की उम्मीद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 13 नए जिलों का किया उद्घाटन। राज्य में अब होंगे कुल 26 जिले। नए जिलों का नाम मानियम, अल्लूरी, सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकीनाड़ा, कोना सीमा, एलूरू, NTR, वापटिया, पलनाडु, नंदनियाल, श्री सत्यसाई, अन्नामैया और श्री बालाजी। संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 1757 से 1947 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयास से किया गया है इस प्रदर्शनी का आयोजन। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर किया रवाना। एम्बुलेंस को भारतीय रेड क्रॉस शाखाओं के लिए किया गया रवाना। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में फ्लिपकार्ट फाउंडेशन के प्रक्षेपण का किया गया शुभारंभ। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने फ्लिपकार्ट के नए लोगों का भी किया अनावरण। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फ्लिपकार्ट को व्यावसायिक जिम्मेदारी के साथ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े शोषित, वंचित, आबादी, महिलाओं के विकास के अलावा दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण के जरिए बनाना चाहिए मुख्यधारा का हिस्सा। रविवार को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में पवित्र रमजान के पहले रोजे के पहले इफ्तार में बड़ी संख्या में लोगों ने किया सामूहिक इफ्तार। इस दौरान रोजेदारों ने कोरोना काल की कड़वी यादों को भुलाकर नए युग में नए जोश के साथ त्योहारों को मनाने की कही बात। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।